और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के घमासान की। जी हाँ, कपिल सिब्बल के बाद अब कांग्रेस पर अजीज कुरैशी का हमला हुआ है। जी हाँ, अजीज कुरैशी ने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राहुल प्रियंका गांधी में अनुभव की कमी है, राजनीतिक संघर्ष और अनुभव की भारी कमी है। केंद्र नेतृत्व कमजोर होने से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। कपिल सिब्बल के घर हमले पर भी बोले कुरैशी। उन्होंने कहा कि संजय गांधी के जमाने में होती थी कांग्रेस में इस तरह की गुंडागर्दी। क्या कुछ कहा अजीज कुरैशी ने, आइए सुनते हैं। वैक्यूम आया है, सोनी जी की सेहत खराब हो गई, बीमार हो गई हैं, राजीव जी शहीद कर दिए गए। अब जो बार पड़ा राहुल गांधी के ऊपर आके, राहुल गांधी ने 2 साल तक बड़ी मेहनत की यूपी के अंदर, बहुत परिश्रम किया, मतलब कि जान लगा दी पूरी अपनी, लेकिन उनको बिटर किया वहाँ के संगठन ने, लोकल कांग्रेस में जो उन्होंने बिटर किया, धोखा दिया, वो आज भी धोखा दे रहे हैं उनको आगे। आज कोई नहीं बोलेगा आपसे मेरे अलावा, मतलब आज भी प्रियंका और राहुल को उत्तर प्रदेश कांग्रेस में धोखा दे रहा है, क्योंकि ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल, पंचायत लेवल में कोई संगठन। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी तौर पर जो सीनियर चेहरे हैं वो कहीं नाराज हैं। आप कपिल सिब्बल के बाद अजीज कुरैशी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि राहुल प्रियंका गांधी में अनुभव की कमी है। तो ये राजनीतिक संघर्ष इसीलिए है क्योंकि अनुभव की कमी है, और उन्होंने ये कहते हुए केंद्रीय नेतृत्व पर जो है सवाल उठाए।